इनको भी एसी की आवश्यकता होती है. दिस इज तो लाइफ वाइज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव इक्विपमेंट. द प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन टू बी व्यूड अंडर द टेम इज वेरी टीडियस. ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ भी काट करके ले आए और लाइक जैसे हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ऐसा नहीं. इसके लिए स्पेसिमेन बनाना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो एन आर्ट. तो जब हम टेम कराते हैं ना, तो जो हमारा ऑपरेटर वो हमको बार बार बोलता है कि हमको इस तरीके से आप स्पेसिमेन बना करके दे, तो आपका आप डिजायर जैसे आप चाह रहे हैं वैसी इमेज आपको प्रोवाइड की जा पाएगी. द यूज ऑफ केमिकल फिक्सेशन डिहाइड्रेटर्स एंड इम्बेडमेंट. इम्बेडमेंट मीन्स अगर आप इसमें कुछ इम्बेडमेंट देखना चाहते हैं या कुछ इम्ब्रोजिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा डेंजरस आर्टिफैक्ट है. दे आर लेबोरियस टू मेंटेन बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज, दे आर वेरी सेंसिटिव. इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट इनफ्लो ऑफ वोल्टेज. इट रिक्वायर्स वोल्टेज और वो भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए. अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो ये इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट. तो ऐसी प्लेस में इनको रखना जहाँ पे वाइब्रेशन का इफेक्ट ना आ रहा हो. सपोज करिए किसी मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जिसपे हमारे यहाँ टैबलेट पंचिंग मशीन है, जिससे हम लोग टैबलेट पंच करके निकलते हैं. तो जब वो मशीन चलती है तो बहुत तेज आवाज मिलती है, वाइब्रेशन भी निकलते हैं. तो अगर मैं अगर हमारे डिपार्टमेंट ये चाहे कि वहीं बगल में टीएलटी हम कोई भी रखते हैं, तो वी कांट इंस्टॉल दैट इक्विपमेंट बिकॉज इट विल अफेक्ट विद नॉइज एंड वाइब्रेशन जनरेटेड बाय टैबलेट पंचिंग मशीन. सो दिस रिक्वायर सम आइसोलेटेड एरिया. दिस इज व्यू ऑफ सार्स कोवी वायरस. यू कैन सी दिस पिक्चर इज टेकन बाय टेम इंस्ट्रूमेंट और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज ने मायरलैंड के जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने कैप्चर की है. दिस डायग्राम इज ऑफ कोरोना एंड दिस इज अफेक्टेड पार्ट ऑफ पल्मोनरी एल्वोलाई दैट इज अफेक्टेड बाय कोरोना. यू कैन सी द बेटर इमेज हाउ कोरोना हैज इन्फ्लेम्ड, हाउ कोरोना हैज डिस्ट्रॉयड द वेसल्स ऑफ पल्मोनरी. It is captured through TEM. Some more examples I have collected. You can see the basic difference between pictures taken from compound microscope and TEM and SEM. You can see the variations, differences. In compound microscope, you only can say it is circular, it is elongated, it is of this dimension. But in case of SEM and TEM, you can view the basic image, the basic better morphological image. You can see that. इसमें इन्होंने शायद बैक्टीरिया का पार्ट भी छे रखा है, बडिंग ईस्ट सेल्स दे रखी है और ईस्ट सेल किस तरीके से प्रोलिफरेट कर रही है नीचे के डायग्राम में. सेम इमेज में टेम इमेज में इट इज ई कोलाई मीन्स इस्टीरिया कोलाई. इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दिस सेकेंड इमेज इज ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया एंड हाउ इट इज डायग्नोज इधर फ्रॉम सेम टेम और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी डिस्कस. Very beautiful image. 10 images of Golgi complex. What is the function of Golgi body in our body? Yes. Transportation of the protein and the fatty acids, and they also produce lysogens. I think Golgi body do this. And 10 images of mitochondria. Better image hai, 10 ki isme hum achhi tarike se dekh pa rahe hain what are the basic structure of mitochondria. Next one is 10 images of blood cells. तो इसमें भी देख रहे हैं डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है ब्लड सेल का, ड्रोसोफिला की आंख एंड सेम इमेज ऑफ सम पोलन ग्लैंड्स. वेरी ब्यूटीफुली कैप्चरेशन ऑफ दिस इन दीज इमेजेस फ्रॉम टेम. इन योर सिलेबस देयर इज वन टॉपिक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायो? क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेसिमेन इन लो टेम्परेचर. तो उसको भी हम टेम के थ्रू परस्यू करते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दैट अलाउज फॉर द स्पेसिमेन टू इंटरैक्ट टू बी व्यूड एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर. मीन्स इन लो टेम्परेचर वी आर गोइंग टू व्यू दैट इमेज. क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज बिकम अ वैल्यूएबल टूल फॉर व्यूइंग एंड स्टडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इन क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द सैंपल अंडर ऑब्जर्वेशन
इज यूजली फ्रोजन और हाइड्रेट. जब फ्रोजन बात करेंगे तो फ्रोजन आइस से ही करेंगे, मतलब वाटर के से ही करेंगे, और जब वो होगा तो वो हाइड्रेटेड और लिक्विड हो जाएगा. ओके, तो आप देखिए मैंने भी आपको डिस्कस किया, रुटेन है, इट इज वेरी सेंसिटिव. तो यहाँ पे मैं हाइड्रेशन कर रहा है अपने सैंपल का. हाइड्रेशन मीन्स इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ मॉइस्चर. तो इस तरीके के सेंसिटिव स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए हम लोग TEM का एक वर्जन यूज कर रहे हैं, उसका नाम है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इट इज एडवांस्ड टाइप ऑफ TEM. अ वेरी थिन स्लाइड ऑफ स्पेसिमेन मे बी रैपिडली प्लम्प्ड इनटू अ लिक्विड इन इथेन बाथ एंड व्यू इन द नेचुरल स्टेट. यहाँ पे जो इनका सैंपल होल्डर होता है क्रायो सैंपल होल्डर है, उस होल्डर में पहले से कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स पड़े हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पड़े हुए हैं जिसमें हम उनको डिप कर देते हैं और फिर उसको व्यू करते हैं. तो दिस इज द बायोलॉजिकल सेल, ये है स्ट्रक्चर, ये क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया गया है. कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. दिस इज वेरी 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 एसेंशियल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च. तो हमारे यहाँ तो जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं बिना सेल के तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते, बिकॉज रिसर्च आर्टिकल पब्लिश ही नहीं हो पाते विदाउट देयर इमेजेस. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज वेरी मैंडेटरी बिकॉज TEM इज टीडियस टू डायग्नोज अवर सैंपल थ्रू TEM. TEM इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी एक्सपेंसिव रेदर देन SEM. तो SEM इज हम लोग प्रेफर करते हैं. तो बढ़ते हैं इसमें. तो SEM फर्स्ट वॉज initially developed by Marfred Born and Rand in 1937 with the aim to surpass the transmission electron microscopy. यानी transmission electron microscope के बाद SEM का development हुआ था और SEM TEM की जो disadvantages थी उसको भी overcome करने के लिए SEM को develop किया गया था. He used high resolution power to scan a small raster using a beam of electrons that were focused on the raster. Raster means some parallel lines. दिस काइंड ऑफ आप लोगों ने कभी टीवी, जब पुराने जमाने में टीवी चलता था तो कभी कभी जब सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत भी बहुत आ रही थी. तो वो क्या होते हैं डॉट्स, वो डॉट्स क्या होते हैं, वही डॉट्स तो मिलकर एक इमेज बनाते हैं, स्कैटर्ड वे होता है, वो इमेज का स्कैटर्ड वे है. तो इसी स्कैटर्ड जो TEM का स्कैटर्ड वे था उसको और मॉडिफाई करके SEM का लिया गया, तो मैंने पैरेलल लाइंस को सिलेक्ट किया एज अ व्यू फॉर द व्यू ऑफ द स्पेसिमेन. ही आल्सो एम्ड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रोमैटिक एब्रिविएशन. क्रोमैटिक एब्रिविएशन मतलब मैंने आपको टीवी में देखा होगा कभी कभी कलर लाइंस आ रही है ना, तो ये जो TEM के साथ ही बहुत कॉमन हुआ करती थी चीजें. तो इस प्रॉब्लम को और रेस्टर वाली जो प्रॉब्लम उसको ओवरकम करने के लिए SEM का डेवलपमेंट हुआ. More studies followed by scientists and research institutes such as Cambridge have developed a fully constructed scanning electron microscope in 1965. तो ये वाला वीडियो मैं चाहूंगी आप इसे देखिए.
scanning electron microscope. Scanning electron microscopy is one of the most fascinating examination methods. This video shows how this works in practice. The main components of the microscope are color electron beam generation, specimen chamber, the material test and turns on the back. मैं इसे बंद कर रहा था इसमें एक्चुअली फिर से ओपन करना देखते हैं कैसे सैंपल प्रिपेयर किया जाता है सेम एंड टेम में सेम की बात हो रही है सेम देखिए specimens can easily be placed on the round stage. The filament of an old-used light bulb. Part of a welded tube on a sample holder. A small cobalt plate. And a cobalt piece of jewelry. All specimens are assembled and we are ready to start. The material tester carefully closes the cover plate and switches on the two-stage high vacuum pump, as well as the electronic control. It takes about 3 minutes to obtain a sufficient vacuum in the specimen chamber and column. Meanwhile, she turns on the monitor, initializes the motorized stage, and boots the microscope control. Only now she is allowed to switch on the high voltage and the thermionic cathode. The first time, a reasonable image appears on the monitor. It shows part of the specimen stage. इनका सैंपल प्रिपरेशन आप लोगों ने देखा ना? अब देखिए इस प्रकार से रिजोल्यूट कर रहे हैं उसको. जिस डायरेक्शन में पहुंच रहा है. She moves the stage within the microscope. She looks for the place where the first sample was positioned, the used filament. The magnification is gradually increased. Position readjusted and the magnification increased again. Now a plastic and high contrast image of the filament can be seen on the monitor. Originally, the colored coil filament was quite smooth on the surface. Caused by the everyday use of the filament, new crystals have been formed, tungsten atoms have evaporated, and the outer regions of the filament have become polygonal. But how is this plastic image generated, and how does the microscope actually function internally? The animation first shows the schematic structure from the outside. The upper part is the so-called column. It is used to generate an electron beam. The lower part consists of this. So, आपने देखा है इसको किस प्रकार से इसकी working है? ना ये सारी images videos इसमें हैं आप देख लीजिएगा. आते हैं कुछ principles जो कि हमने stem में भी और cell में भी जो जिस प्रकार से आप डायग्राम देख रहे हैं इसका इसमें दिखा रहा है कि ये इंसिडेंट लाइट है और ये एक स्पेसिमेन के ऊपर गिर रही है इसके बाद कुछ वापस हो जाएंगे और कुछ अक्रॉस कर देखते हैं सभी लोग इस इमेज में देर इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स लाइट नहीं बोलेंगे आपको बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट स्पेसिमेन के कॉन्टेक्ट में आकर कुछ वापस हो रहे हैं इफ दे आर रिटर्निंग बैक स्कैटर्ड और दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो वो फॉलो कर रहे हैं सेम सेम के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं इफ दे पासेस थ्रू द स्पेसिमेन
means they are transmitting, they are crossing. Trans means cross the line, transmitting. Then the 10th principle is followed, means beyond specimen, whatever electrons are refracted, वापस जा रहे हैं वो स्टेम की प्रिंसिपल में आते हैं और वॉट एवर इलेक्ट्रॉन पासिस टू द स्पेसिमेन दे आर क्रॉसिंग दैट स्पेसिमेन. तो इसी प्रकार से आपने जो स्ट्रक्चर देखा होगा टेम का उसमें एकदम क्लियर विजन दिखाई पड़ा होगा. देखते हैं कि फिर से रिपीट करते हैं. ये देखिए दिस इज द इसमें आपका टेम का टेम इमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से एकदम एक एक इसके पार्ट क्लियर हो रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज पास्ड दिम. जबकि सेम में देखेंगे सेम में आरबीसी का जिन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया उसमें कुछ भी उन्होंने पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाया बिकॉज रिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग सेम. डिस्कसिंग दिस प्रिंसिपल अनलाइक द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच यूजेस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. एमिटेड मीन्स जो पीछे की ओर लौट रहे हैं रिटर्न हो रहे हैं. द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस सिग्नल्स ऑन द इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड रिफ्रैक्टेड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंडरी एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज. ये जो इलेक्ट्रॉन्स वापस हो जा रहे हैं ना ये जाके कलेक्ट हो रहे हैं एक जगह और वहां से वो इमेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी स्पेसिमेन की इमेज. The secondary electrons are emitted from the specimen play the primary role of detecting the morphology and topography of the specimen while the back scattered electrons show contrast in the composition of the element. So ye note basic difference ko de rakha hai. Similarly TEM SEM also have electron source lenses scanning coil and detector followed by display device and power supply vacuum system as is mentioned in TEM. So discussing about electron source used for SEM, there are three kinds of electron sources. First is tungsten filament, lanthanum hexafluoride and field emission gun FEG jise kehte hain. It produces 140 kilovolt. Bahut se papers mein to ye pucha jata hai, maine dekha hai ki aapne kitna volt apply kiya tha इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को करवाने में. तो जो भी आगे नियर फ्यूचर में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कराएं तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा ऑपरेटर से कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया इसमें. सेकंड इज लेंसेज. इट हैज सेवरल कंडेंसर लेंसेज दैट फोकसेस ऑन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स थ्रू द कॉलम फॉर्मिंग अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म अ स्पॉट कॉल्ड स्पॉट साइज. तो लेंसेज जैसे हमने पहले डिस्कस किया दे आर कन्वर्जिंग लेंसेज. जो कंडेंसिंग लेंसेज जिसे कह रहे हैं वो क्या करते हैं जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं संभाल करके टू द पॉइंट स्पॉट साइज पर लेकर के आते हैं. थर्ड वन इज स्कैनिंग कॉइल. दे आर यूज टू डिफ्लेक्ट द बीम ओवर द स्पेसिमेन ऑफ सर्फेस. एंड लास्ट वन इज डिटेक्टर. नॉट लास्ट बट ए मेजर पार्ट इट इज लास्ट वन. इट्स मेड ऑफ सेवरल डिटेक्टर्स दैट आर एबल टू डिफ्रेंशिएट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्रैक्टेड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वापस हो रहे हैं वो डिटेक्टर में जा रहे हैं और डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर इमेज को जनरेट कर रहा है. इसके अलावा डिस्प्ले डिवाइस पावर सप्लाई एंड वैक्यूम. याद रखने वाली बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमेशा वैक्यूम में काम करेगा. अगर वहां पे एयर आ रही है तो वो काम नहीं कर पाएगा. तो देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इट इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल यूजेस नैनो साइंस स्टडीज बायोमेडिकल स्टडीज. इट इज यूज्ड फॉर स्पॉट केमिकल एनालिसिस इन इंजीनियरिंग एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में एक्सरे भी है. It is used in the analysis of cosmetic components which are very tiny in size, used to study the filament structure of microorganism. It is used to study the topography of elements used in industry. This image I have taken from my paper. I have prepared beads and aap dekh sakte hain bilkul jaise lag raha hai moon hai ना. तो इसके बेसिस पे इसको इंटरप्रेट किया था. तो ये आप जितने भी प्रोजेक्शंस देख रहे हैं इसमें ये दीज आर प्रोजेक्शंस. दीज प्रोजेक्शंस रिवील्ड एंट्रैपमेंट ऑफ ड्रग.
over that polymeric bead, because these beads were made up of polymers, और उस polymers में drug को embed किया गया था, entrap किया गया था, ये show कर रहा है, और surface पूरा smooth है, despite of these projections, और regular है, इसमें कहीं breaking नहीं है, आप देख सकते हैं uniformity है structure की, इस तरीके से हम interpret करते हैं, इसमें देखिए आप कुछ ये दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें इन्होंने 15 kV का use किया है, और ये dimension 100 micron है, this dimension, okay? This dimension is 100 micron और इसकी width है 24 nanometer, magnification 50x पे देखा है इसे detector, तो उसका detector का name है. Next few more published paper of mine. मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं यहीं से अच्छे से interpret कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जाके देखेंगे तो सैम के बहुत advanced uses हैं. This particular image representing fibrous structure of a bandage. A bandage is prepared, antifungal bandage is prepared. Scaffold इसे कह सकते हैं, nanofibers कह सकते हैं. तो ये nanofibers को जब मैंने fabricate करवाया था through IIT, तो वहाँ पे सेम भी मैंने करवाया, देखिए कितना mesh-like structure मिल रहा है. एक अच्छे bandage की यही quality होती है कि वो जो body पे जहाँ पे कटा है, फटा है या कोई infection उसके ऊपर अगर लग रहा है, तो वो उसको एक natural environment provide करे. एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसे आप कहते हैं, नेचुरल जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोवाइड करें. तो दिस हैज शेप लाइक दैट, ईसीएम जिसे कहते हैं, और इसमें जो पोर्स हैं, दीज पोर्स आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइबर, बिकॉज दीज पोर्स असिस्ट गैसियस एक्सचेंज. जब हमारे किसी इन्फेक्शन के ऊपर कोई पट्टी बांधी जाती है तो वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होना बहुत जरूरी फॉर फास्ट रिकवरी. अगर आप फास्ट हीलिंग चाहते हैं तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए. तो दिस वाज वेरी आइडियल स्कैफोल्ड दैट वाज प्रिपेयर्ड. दिस इज अनदर स्कैफोल्ड विच वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेफीन. ग्रेफीन इज एंटी बैक्टीरियल एंड इज वेरी गुड सेमी कंडक्टर कह सकते हैं, कार्बन नैनोट्यूब पे. तो दिस इज शोइंग इट्स एवरेज पार्टिकल साइज या एवरेज डायमेंशन. तो सम फ्यू नैनोमीटर range it was obtained. This was another paper. This जो second जो नीचे की दोनों studies very interesting थी. इसमें जो development आया, जो बनाया था हम लोगों ने, बनाया था microspheres. ये हम लोगों ने microspheres बनाए थे, लेकिन ये दोनों ही image जो आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग polymers के थे. तो जो first polymer we have used, it shows regular and spherical like microspheres. You can see that. Although there are very size range, बहुत से छोटे particles भी हैं, लेकिन maximum जो particles हैं, वो एक ही size के हैं, uniform हैं, और कोई भी breaking नहीं है इनमें, कोई भी कहीं से abrasion नहीं है, टूट-फूट नहीं है, regular है, intact है वो. जो second ये example आप देख रहे हैं ना, ये दूसरे polymer का बनाया है, and this polymer shows some elongated structure, as you can see, oval structure, and it has pores, enormous pores. देख रहे हैं ना, ये देखिए पोर्स कितना डिस्टिंग्विश्ड है. तो हम लोग जब ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं तो हम लोग का जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो डिफ्यूजर पे बेस्ड होता है. डिफ्यूजर इज अ प्रिंसिपल वेयर ड्रग मूवमेंट इज शोन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जब भी हमने ये वाली जो प्रिपरेशन बनाई थी बहुत ही अच्छी प्रूफ हुई, बिकॉज इट कंटेन्स सम पोर्स, और इन पोर्स से ही ड्रग जो है बहुत फ्रीली मूव करके बाहर आया एट अ साइट जहाँ पे हम चाह रहे थे. तो दिस वाज सम फ्यू इमेजेस ऑफ स्टेम. ये मैंने इंटरनेट से ली है. देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेज है ये, आप लोगों ने पढ़ा भी हो सकता हो. डेडेंस शिया पॉलन है ये, इस वाले फ्लावर्स के हैं ये पॉलन. और देखिए कितने प्यारे स्ट्रक्चर्स इनका आया है पॉलन और उनके एंथर्स का, स्टेमस का. नेक्स्ट इमेज देखेंगे, बहुत अच्छा आई है. ये निमेटोड है और ये उसका एग है, और ये दोनों चीजें जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन की रूट से लिया गया है. रूट का जब इमेज लिया गया था उसमें पाई गई, बहुत बेकार टाइप का पेस्ट होता है जो सोयाबीन की क्रॉप को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. तो ये उसकी इमेज ली गई क्योंकि वो जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से हो नहीं रही थी. तो उसकी जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये पेस्ट उसके रूट्स में डेवलप कर रहा है.
वेरी इंफॉर्मेटिव इमेज. देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्पाइनल न्यूक्लियर न्यूक्लियस है, दीज आर क्रिस्टल्स, जो कहते हैं ना पथरी हो गई हुई क्रिस्टल्स है. तो क्रिस्टल्स का शेप देखिए, दीज आर क्रिस्टल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर किडनी. अगर किडनी स्टोन हो गया, दीज किडनी स्टोन्स आर लाइक दिस, दे आर वेरी दे मे बी अ वेरी फाइन साइजेस एंड वेरी लार्ज साइज. जो फाइन साइज के होते हैं वो इमीडिएटली फास्ट हो जाते हैं, जो लार्ज साइज के होते हैं उनका फिर आगे ऑपरेशन या कुछ जो भी सर्जरी रिकमेंडेड होती है वो परस्यू की जाती है. नेक्स्ट सेम इमेज इज ऑफ स्टोमेटा. सभी लोगों को पता है स्टोमेटा लीव के नीचे वाले लेयर को देखिए कितनी ब्यूटीफुली इमेज है, कितने क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं ट्राइकोम्स की बगल बगल में स्टोमेटा बने हुए हैं ये. तो दिस वाज ऑल अबाउट सेम. कम टू द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस रिलेटेड टू सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडीज एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस में दे आर वेरी इजी टू ऑपरेट एंड हैव यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस. बहुत आसान है ये सारे इक्विपमेंट कुछ मैंने आई है. तो दिस इज वेरी इजी टू हैंडल. आपको स्पेसिमेन बनाना है और ये कॉपर का वायर होता है, कॉपर के वायर में अपने स्पेसिमेन को एडहेर कर देना, चिपका देना है. और इट मस्ट बी ड्राई, कम्प्लीटली ड्राई. और सब इंस्ट्रूमेंट में इसको पुट कर देते हैं और मैग्निफिकेशन को घटा बढ़ा करके हम डिजायर्ड इमेज को सिलेक्ट करते हैं. तो बहुत ईजी टू ऑपरेट है कंपेयर टू टेम. दे आर यूज टू इन ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सभी को पता है इंडस्ट्रियल बहुत है. टू एनालाइज सर्फेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट. सम मॉडर्न सेंस आर एबल टू जनरेट डिजिटल डेटा दैट कैन बी पोर्टेबल. मीन्स डिजिटल डेटा भी उसे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा, पोर्टेबल मीन्स आप यहाँ से ले जा भी सकते हैं. पोर्टेबल का मतलब होता है उन्होंने आपको मेल कर दिया तो आपको मिल गया है. इट इज ईजी टू एक्वायर डेटा फ्रॉम द सेम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अबाउट 5 मिनट्स. मतलब बहुत आसानी से कम टाइम में आपका सैंपल जो है एनालाइज हो जाएगा. बट देर आर सम लिमिटेशंस. वेरी एक्सपेंसिव है, हर कोई नहीं परचेज कर सकता. बल्कि होता है एज टेम. दे मस्ट बी यूज इन रूम दैट आर फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन फ्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स. दे मस्ट बी मेंटेन विद अ कंसिस्टेंट वोल्टेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखना है. It must be maintained with access of cooling system. मैंने बताया ना बहुत सारे sensitive equipments होते हैं, they require AC. वो warm weather पे काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए cooling system भी आवश्यक होती है. This is comparative slide that shows differentiation between TEM and SEM. TEM involves electron beam passes through thin sample, but in case of SEM, electron beam scan over surface of sample. Actually क्या हो रहा है देखते हैं क्यों ऐसा बोल रहा है. जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया कि जो अगर हमें सैम चाहिए, इफ वी वांट सैम, तो सैम में इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है. केवल सुपरफिशियल सरफेस में ही इलेक्ट्रॉन्स जाके कॉन्टेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को इमेट करेंगे और वो इमेज आ जाएगी. इस केस में मैटर नहीं पड़ता आपका सैंपल कितना मोटा है कितना पतला है, ठीक है. लेकिन क्योंकि टेम में आपको ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऐसे केस में सैंपल मस्ट बी थिन. स्पेशली प्रिपेयर्ड थिन सैंपल्स आर सपोर्टेड. सैंपल्स कैन बी ऑफ एनी थिकनेस एंड कैन बी माउंटेड ऑन एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स. एल्यूमिनियम है वैसे जनरली जो अच्छे सेम ऑपरेटर है वो कॉपर के यूज करते हैं. स्पेसिमेन स्टेज हाफ वे डाउन कॉलम. ये इन्होंने स्टोरेज बताया कि कैसे इसको सैंपल को चैम्बर में रखना है. फोर्थ वन इज इमेज शोन ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन. मीन्स टेम को एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन चाहिए ताकि वो अपने इमेज को वहां पर डिस्प्ले कर सके. हमको जब इमेज को लेना होगा तो हम उसी फ्लोरेसेंट स्क्रीन से ले पाएंगे. इन केस ऑफ सेम नो सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी. वी कैन यूज इट टू द इमेज इन टीवी मॉनिटर ऑल्सो. इमेज इज टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ द सैंपल इमेज ऑफ द सर्फेस. तो यहाँ पे स्टेम में हम केवल वन डायमेंशन का ही हम एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे और इसके इसमें स्टेम में टू डायमेंशनल हम इमेज ले लेंगे. हाइट भी क्या है लेंथ भी क्या सब पता चल जाएगी, लेकिन स्टेम के केस में ऐसा नहीं है. इसलिए स्टेम जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है कि हमें टू डायमेंशनल इमेज ले जाए. थर्ड जो माइक्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी. इसे एस टी एम भी कहते हैं.
तो जैसा कि नाम कह रहे हैं स्कैनिंग टनलिंग मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ टनल. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द डेवलपमेंट ऑफ दिस फैमिली ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स स्टार्टेड विद द ओरिजिनल इन्वेंशन ऑफ द एसटीएम इन 1931. तो जैसा हम लोग देखते जाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1931 में, फिर जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1964 में, फिर 1981, तो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ उनका. ग्रेट बाइंडिंग एंड हेनरिक रॉयर डेवलप द फर्स्ट वर्किंग ऑफ एसटीएम वाइल वर्किंग एट आईबीएम. इन्होंने अपना नाम दे दिया, सेलेब्रिटीज में जब काम कर रहे थे एसटीएम को सबसे पहले डेवलप किया गया, बनाया गया. दिस इंस्ट्रूमेंट वुड लेटर विन नोबेल प्राइज इन 1986. तो इसको जब देखेंगे बेसिक इसकी जो इक्विपमेंट सिस्टम है, दैट है एक मॉनिटर लगा हुआ है, डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है. उस डिस्प्ले यूनिट से एक असेंबली जुड़ी हुई है जो जिसमें प्रोब बना हुआ है. प्रोब मीन्स स्कैनिंग टिप, ये टिप ना, ये दिस इज स्कैनिंग टिप. ये क्या कर रही है, सैंपल के सरफेस को पूरी तरीके से टच करती हुई जा रही है, ऐसे ऐसे पूरे सैंपल के सरफेस को टच कर रही है ऐसे. और टच करके ये जो भी इमेज आ रही है उस इमेज को देखो वहां ड्रा कर रही है, जो मॉनिटर पे आ रहा है, जहां जहां टच करता हुआ जा रहा है वो मॉनिटर में ड्रा हो गया, कंधी लाइन एक स्ट्रक्चर बन रहा है. How an STM works. The scanning tunneling microscope works by scanning a very sharp metal wire tip over surface. Means it contains a sharp metal wire. Yeah, tip. By bringing the tip very close to the surface and by applying an electric voltage to the tip of sample, we can image the surface at an extremely small scale. So it is saying that if it is a sample, it is a probe or scanning tip, it is rotating or moving over the surface and realizing the exact surface morphology in this way. देख सकते हैं इसे इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे शो किया है. Again components of STM. तो this the components are totally different from SEM and TEM. It has a scanning tip that is very required for movement over the sample. Electrons tunnel from the scanning tip to the sample, creating the tunneling current. Second one is piezoelectric controlled scanner. ये क्या होता है piezoelectric? तो जो material जो है electric charge को generate करते हैं उन्हें कहते हैं piezoelectric controlled scanner. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि बिना इसकी जो scanning tip है वो काम नहीं करेगी, तो scanning tip को assist करने के लिए एक scanner चाहिए जिसे piezoelectric कह रहे हैं. और piezoelectric crystals expand and contract. Expand भी होते हैं, contract भी होते हैं, very slightly depending on the voltage applied on them. And this principle is used to control the horizontal position, x, y and height, z. यानी हम three dimensional image को analyze करने जा रहे हैं through the STM. Third one is distance control and scanning unit. Position control using piezoelectric means is extremely fine, so a coarse control is needed to position the tip. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर STM का यूज कर रहे हैं आप, तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि कितने डिस्टेंस तक का मेजर करना है और किस प्रकार से पीजोइलेक्ट्रिक को कंट्रोल करना है, चार्ज को कंट्रोल करना है. क्योंकि अगर आपका सैंपल 2 मिलीमीटर का है या 1 मिलीमीटर का है, तो पूरे 2 मिलीमीटर तक इसको रन जब कराएंगे तो हो सकता है आपको क्लियर ना आए, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द डिस्टेंस यू रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग योर सैंपल. फोर्थ वन इज वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम. एसटीएम डीएस विद एक्सट्रीमली फाइन पोजिशन मेजरमेंट, सो द आइसोलेशन ऑफ एनी वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स यहाँ भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए. लास्ट वन इज कंप्यूटर. द कंप्यूटर रिकॉर्ड्स द टनलिंग करेंट एंड करेक्ट कंट्रोल्स द वोल्टेज टू द पीजोइलेक्ट्रिक ट्यूब टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मैप. अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा टैम, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सैम और एसटीएम. सैम जो है वो 1 डायमेंशनल है, टैम 2 डायमेंशनल है, और एसटीएम 3 डायमेंशनल है. हम इसमें 3 डायमेंशनल इमेज को ड्रा कर सकते हैं इसके थ्रू. एप्लीकेशन एज पर ऑल द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन एनालाइज स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर,
जब फिजिसिस्ट डू सेमी कंडक्टर, जो अधिकतर फिजिसिस्ट कर रहे हैं या एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, वो सेमी कंडक्टर के सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. मेटल कैटलाइज रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ सिंगल एटम्स, अगर सिंगल एटम का स्पेक्ट्रोस्कोपी विजुलाइज करना है तो एसटीएम का यूज कर रहे हैं. बायोलॉजिकल एप्लीकेशन बहुत कम है और फ्यूचर डेवलपमेंट में भी उन्होंने कुछ दे रखा है. So this is STM image of few sample. First sample is of quantum coral. इसे कहते हैं quantum coral. देखिए ऐसी coral का structure बन रहा है. और ये जो है ये copper 111, इसका जो molecular weight है copper का, उसके ऊपर जब वो probe को लेके गए हैं copper के ऊपर, तो इस तरीके का कुछ quantum coral बना है. अधिकतर STM का use हम लोग मेटल्स के लिए करते हैं और जितने भी हमारे एलॉयज होते हैं उनके लिए करते हैं, ओर के लिए करते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए. इनका सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, तो जब कॉपर 111 की स्टडी की गई तो इस वजह से क्वांटम कोरल बन कर किया है. नेक्स्ट वन इज 3D रेंडर्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ऑफ एटम्स. ये एटम्स का 3D स्ट्रक्चर है जो कि प्रोड्यूस हुआ था एसटीएम से. अच्छा ये हम नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे. आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप लोगों को ये कैसे मिलेगा, ये प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, ये आप लोगों को नोट्स कैसे प्रोवाइड, नोट्स प्रोवाइड होते भी है कि नहीं, मुझे पता. तो आई हैव पेस्टेड माय टॉपिक इन दिस यूनिट ओके, तो आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ले लीजिएगा आप अपने सर से. किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी आप मत सुनिए, अब मैं इंट्रोडक्शन भी चाहूँगी ताकि सब लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिए, मैं जाके बाहर फीडबैक दे सकूँ. तो मैम आपसे स्टार्ट करते हैं. आपसे वैक्सीन शिखा सिंह, आई कंप्लीटेड माय एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम जय शिव यूनिवर्सिटी एंड इन व्हिच ईयर 2008 पास आउट. Okay. And after that I did my MTech in biotechnology from Acting University, MIT University, Lucknow. Yes, after that I joined Dr. Ambedkar Institute of Technology, EBU. Yeah, Institute of Technology for Handicapped in Kanpur. Okay, it's a position of guest, but after that I completed five years. I joined the National Sugar Institute. As a position of guest faculty and doing some research project that is based on the production of biosynthy from breast milk. That is the very long experience. And after that, I came here. Yes, please. Completed my MSc in 2006 in microbiology. Okay, from CSGMC. मैं देख रही हूँ, मैं वहाँ रिसर्च में भी जाती हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सीएसजी, है ना. मुझे लगता है शायद वो इसी आशा के साथ थे कि कब यहाँ पे पीएसजी आए. और मैं थे गेटिंग मैरिड, मतलब एज अ इशू है, या दैट इज अ मेजर इशू. सो बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ किड्स, तो हम इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकते. एंड पीएसजी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर गेटिंग. आपने इस गैप में क्या किया? Four-year teaching experience in the end of college. Up to that, very long gap. Yes, मैंने एक चीज और नोटिस किया है, इस कैंपस में मुझे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत दिखाई दे रहा है. एक्चुअली मेरे यहाँ भी फार्मेसी का ये कोऑर्डिनेटर वहाँ पर होता है, तो वहाँ भी वुमेन्स ही है अधिकतर, वहाँ तो जेंट्स आते हैं, तो दो लोग दिख भी रहे हैं, ये भी नहीं है. यस, आप तो नहीं बताइए अपना. मेरा नाम प्रेमवती, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, साधु अध्ययन मध्ये फेरायला भोपाळ, क्रिकेट टू बरगतुला युनिव्हर्सिटी भोपाळ इन 2015. ओके, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू आल्सो जॉइन सम फैकल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भोपाळ. एक्सक्यूज मी मैम, देयर इज अ पेपर 1 क्लास इज आल्सो हेल्ड इन यूआईटी एट 2. ओके मैम, सो आपने तो वो नहीं किया, अटेंडेंस अटेंडेंस भी लेनी होगी ना. यस, वो अटेंडेंस शीट कौन देता है? तो आप मैडम मुझसे मिलते हो जाइए, ठीक है. ओके, कंटिन्यू. आई कंप्लीटेड माय एमएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पदातु.
आप सभी लोग को जाना है ना, सबको तो यहाँ सेकंड क्लास यहाँ नहीं लगेगी, ठीक है? तो हम ऐसे करते हैं, आप लोग नोट्स यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ओके?